हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल चैरट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं एक रीडिंग के साथ आ गई हूँ। मैं डेली गाइडेंस पता करूंगी आज के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आज के दिन आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका मूड, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, एंजल आपको क्या बताएंगे, तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। तो गाइस, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो बीच बीच में थोड़ी नॉइज आ सकती है, इसे आप इग्नोर करना, ठीक है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा आपका और एंजल क्या बताएंगे आपको। स्टार्ट करते हैं। ओके, लव लाइफ के लिए सन कार्ड है आज। वाओ, आपका आपके मूड के लिए ना एक और कार्ड आ गया है, एस ऑफ सोर्ड्स। करियर देखते हैं। चलिए ये वाला कार्ड। ओ वाओ, करियर के लिए चैरियट, टू मेजर खानास। अभी एक हेल्थ के लिए भी कार्ड ले लेते हैं। टू ऑफ व्हील्स, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। ओके, व्हाट ऑन द डेक से टू ऑफ वैंड्स भी है। ओके, तो कार्ड्स अच्छे हैं आज के दिन। आज लव लाइफ में सन कार्ड है तो डेफिनेटली आज के दिन बहुत अच्छा फील करोगे। आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन अच्छा दिख रहा है मुझे, काफ़ी पॉजिटिविटी है आज के दिन आपके साथ, आपके लव कनेक्शन में। देखो, अगर आप बात करते हो, अगर आप मैरिड हैं तो आज का दिन आप बहुत अच्छे से आपका जाएगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है, लव फील करोगे, बहुत अट्रैक्शन आपको आपके पार्टनर से फील होगा और आपके पार्टनर को आपसे काफ़ी अट्रैक्शन फील होगा, अगर आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, सेपरेशन में हैं या डिवोर्स का केस चल रहा है या फिर सेपरेशन मोड में हैं आप, तो भी गाइज आप अपने पार्टनर की तरफ से ना अच्छी पॉजिटिव वाइब्स ही गेट करोगे, ठीक है। उनकी थिंकिंग चेंज हो रही है आपको लेकर, वो आपसे प्यार फील करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और टेलीपैथिकली बहुत अच्छा कनेक्शन आप दोनों का बना हुआ है। तो लव लाइफ चाहे आपका कंडीशन जो भी है, आप अच्छा ही फील करोगे आज, बहुत अच्छा, बहुत लव फील करोगे, पीस फील करोगे आज के दिन। जैसे टेंशन आपकी ना बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। हो सकता है कि अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपके पार्टनर ना आपके ड्रीम में आके अपनी केयर शो कर रहे हैं या आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं या अपना हिंट दे रहे हैं आपको, जो भी है टेलीपैथिकली आपके सपनों में आकर आपको आपसे बात कर रहे हैं या फिर ये बता रहे हैं कि आप वो आपके साथ हैं, ठीक है, रियलिटी में नहीं तो 5D में आपके साथ हैं, ठीक है, इस तरह का मैं कुछ देख रही हूँ। आज आपके मूड के लिए एस ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली आज अच्छा ही फील करोगे। आज काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल रही है आज के दिन, आपको आपकी कंफ्यूजन दूर हो रही है, ठीक है, और आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन। हो सकता है कि जब आप अकेले हो तो आप गाना गाएं या डांस करें, ऐसा भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं बहुत खुश दिख रहे हो मुझे आज आप, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है आज का दिन आपके लिए। और अगर मैं बात करूं आपके करियर के लिए तो डेफिनेटली करियर के लिए आपके साथ गुड लक है। आप डेफिनेटली काफ़ी सक्सेस आ रहा है आपके पास, ठीक है, और विजडम आ रहा है, नॉलेज आ रही है, आप कुछ ऐसे स्टेप लेने वाले हैं जिसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, ठीक है। वर्क में एनहांसमेंट हो रहा है, आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट हो रहा है, आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो रही है, और साथ ही साथ गाइज आपके पास कुछ ऑफर आ रहा है, ठीक है, तो करियर के हिसाब से काफ़ी कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और गुड लक आपके साथ है। चैरियट का मतलब है जो काम बहुत टाइम से नहीं बन रहे थे अब शायद बनना शुरू हो जाएंगे और सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। तो करियर में भी आपका आज के दिन अगर मैं देखूं तो काफ़ी अच्छा दिन है, या फिर ये हो सकता है कि आज के दिन से ही आप अपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, ठीक है,
और टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है ये आपके मूड के लिए कार्ड है। देखो आपका मूड ना आपकी सोच पर, सॉरी मूड नहीं, ये हेल्थ के लिए कार्ड है। आपकी हेल्थ ना आपके सोच पर भी काफ़ी डिपेंड करेगी। अगर आप ज़्यादा सोचोगे किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करोगे तो हो सकता है थोड़ा हेडेक वगैरह आपको फील हो, तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर कुछ चीज़ करनी है, आपने ठान लिया कि आपको अपने करियर में ये अचीव करना है, तो उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर दो। सोच समझ कर एक पर्टिकुलर स्टेप लो आप, ठीक है? क्योंकि काम अगर जब सोच लिया है कि ये करना है तो फिर डेफिनेटली स्टेप लेना है, उसके लिए आगे बढ़ना है आपको, ठीक है? तो आपकी हेल्थ ना इस पर थोड़ा सा डिपेंड है, आपके सोच पर। ज़्यादा सोचोगे तो हेडेक वगैरह फील करोगे। लेकिन आपका आज का दिन बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। यहाँ से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। एंजल ऑफ बैलेंस, अटैचमेंट, द सन। अब ये कितनी अच्छी बात हो गई कि सेकेंड टाइम सन का कार्ड आ गया आपके रीडिंग में, 2 बार सन का कार्ड और मैजिशियन एंड द मिरर। और देखिए कितनी ज़्यादा आप ये मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप डेफिनेटली अपने वर्क में काफ़ी अच्छा करने वाले हो, काफ़ी करेज है आपके अंदर और डेफिनेटली काफ़ी डिटरमाइंड हैं आप, ठीक है? हार्ड वर्कर हैं और काफ़ी एम्बिशियस हैं, तो अपने गोल्स वगैरह को अचीव करने का कंसर्न है आपको, ठीक है? इसीलिए ये मनी भी आपके पास आ रही है। एंजल कह रहे हैं अपना बैलेंस नहीं बिगड़ने देना, ये आपके लिए कुछ एडवाइस है, ठीक है? क्योंकि आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये मनी अट्रैक्ट, आप अभी तक का जितना भी आपका कर्मा है उससे आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप डिजर्व करते हो, ठीक है? लेकिन ये कब तक चलेगा? एक कर्मा लॉन्ग टाइम तो नहीं चलेगा ना, तो इसीलिए अपने कर्मों को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी अपने माइंड, अपनी मेंटेलिटी को बैलेंस में रखना ज़रूरी है, माइंडसेट को फिक्स रखना ज़रूरी है। पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको अपना काम करना है, अपना टारगेट अचीव करना है, ठीक है? तो इसलिए एंजल आपको एडवाइस कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में जितना बैलेंस बनाकर चलो, जितना जितना लॉन्ग आप बैलेंस बनाकर चलोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। ये मनी आपके लिए हमेशा आपके पास रहेगी, क्योंकि आप हार्डवर्क करोगे, आप अपना काम कंटिन्यूअसली करोगे, ठीक है? पूरे डेडिकेशन के साथ, तो डेफिनेटली ये मनी आप अट्रैक्ट करते रहोगे। जहाँ आपको लगा अरे अब तो मनी आ गई है, अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये मनी जो आई है इसको जाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? ये जो पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो इसको जाने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए आपको एंजल कह रहे हैं कि आपको डेफिनेटली बैलेंस बनाकर चलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तभी ये पॉजिटिविटी, ये मनी आपके पास रहेगी। आपको अभी भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अपनी पावर्स हैं जिनको आपको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, खुद को और डीप तरीके से जानने की ज़रूरत है, गहराई से जानने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपको अपनी कंटिन्यूअसली रखनी है, ठीक है? कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहना है, ताकि आपको जो भी आपके साथ जिनकी भी अटैचमेंट है वो आपसे जुड़े रहें और आपके पास जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो जल्द से जल्द आ जाए। फिर चाहे लव कनेक्शन है, वर्क है, हेल्थ है, जो भी है, ठीक है? तो इसीलिए गाइज आपको, आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर हो, अच्छे ट्रैक पर हो, बस आपको इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। आपको रुकना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग बनाकर चलना है, क्योंकि जर्नी इजी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक आपने इसको, काफ़ी हद तक आप आगे ले आए हो, ठीक है? तो ये अभी तक अच्छा है, ठीक है? आज का दिन भी बहुत अच्छा है और काफ़ी कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है? और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, तो एक नई रोमांटिक साइकिल डेफिनेटली शुरू होगी आपकी लाइफ में। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, इस टाइम आप नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए बिल्कुल। यहाँ पर है लिब्रा स्कॉर्पियो, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर नेगेटिविटी रिलीज नहीं करी तो फिर सिचुएशन से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला, जो जहां पर हो वैसे ही रहोगे, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर होल्ड योर विजन, तो जो भी विजन आपको आ रहे हैं ना उसका पर्पस है, उसको ध्यान से सोचिए क्या हिंट आपको मिल रहा है। पर्सनल
पर्सनल इशू रीचेज आउट रीचेज रीसोल्यूशन. डेफिनेटली गाइज आपका जो भी पर्सनल इशू है ना वो भी सॉल्व हो जाएगा. आप ट्रस्ट रखिए खुद पर, ठीक है. फ्लैरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, थोड़ा सा अप्रोच कीजिए. एंजल भी आपके लिए अप्रोच कर रहे हैं, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. आप मतलब आपका मैनिफेस्टेशन सुन रहे हैं और आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं. तो आप रुकना मत अपनी लाइफ में, ठीक है. काम करते रहना जैसे आप कर रहे हो. लेट्स सी द मरियम सेक्रेट विजन. चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील. देखो दूसरों को माफ कर दीजिए खुद की हीलिंग के लिए, क्योंकि माफ नहीं करोगे तो एक बर्डन आपके ऊपर भी रहेगा. तो चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील. सी द लाइट इन ऑल. रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज. सब हर जगह लाइट देखिए, पॉजिटिविटी देखिए, ठीक है, हैप्पीनेस देखिए. ओके, फ्रेया का भी कार्ड है यहाँ पर, फेजेस एंड साइकल्स. और ये आप याद रखिए कि प्यार की कोई बाउंड्री नहीं होती. जैसे भगवान हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं ना, आप लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन बनाइए. एंड गौतम बुद्धा, मास्टर बुद्धा आए हैं यहाँ पर. इंक्रीज अवेयरनेस. फ्रेया कह रहे हैं दिस इज अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग. तो जब कोई चीज खत्म होती है तो वहीं से किसी चीज की बिगनिंग भी हो जाती है. इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज. तो जो भी इल्यूजन आपके अंदर है वो डेफिनेटली रिवील्ड होंगे और रिलीज भी हो जाएंगे. आपकी टेंशन वरी जो भी भ्रम एक बना हुआ है ना वो सब खत्म हो जाएगा. और मास्टर बुद्धा आपसे कह रहे हैं कि आपका डीप कनेक्शन बना हुआ है डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ, और आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत हाई है. तो ट्रस्ट योर इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है. वो आपको बिल्कुल सच बता रहे हैं. तो गाइज आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव दिन है. बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत कुछ क्लियर भी हुआ है आपकी लाइफ में. आपके इल्यूजन वगैरह जो टेंशन वरीज थी वो काफ़ी हद तक आज कम हो जाएगी, और आपको एक क्लियर रास्ता भी दिखाई देगा जो आपको फॉलो करना होगा आगे, ठीक है. तो गाइज दिस इज योर रीडिंग. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर.